गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम सीखेंगे HTML। HTML सीखने की इस सीरीज में आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML पार्ट 1 चैप्टर 1। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट वेब ब्राउजर्स यूज टू इंटरप्रेट एंड कंपोज टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर मटेरियल into visual or audioable web pages। मतलब कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे कि वेब ब्राउजर यूज करता है किसी इंटरप्रेट करने के लिए या कंपोज करने के लिए टेक्स्ट, इमेजेस और दूसरे मटेरियल को विजुअल और ऑडियोएबल वेब पेजेस में। देखिए, विजुअल वेब पेजेस और ऑडियोएबल वेब पेजेस क्या होते हैं। विजुअल वेब पेजेस जिसमें कुछ दिखता है, कोई वीडियो दिखता है, और ऑडियोएबल वेब पेजेस जिसमें कोई कोई ऑडियो या गाना कुछ सुनाई देता है। इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ज्यादा इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज। अब आप बोलेंगे सर, मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है। मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम किसी भी चीज को बाइंड कर देते हैं कि ये चीज यही काम करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। HTML HTML वर्क्स ऑन WYSIWYG। ये क्या होता है, WYSIWYG होता है, व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट। मतलब कि जो आप कहते हैं वही आपको मिलता है। आगे देखते हैं कैसे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। HTML में H स्टैंड करता है हाइपर के लिए, T स्टैंड करता है टेक्स्ट के लिए, M स्टैंड करता है मार्कअप के लिए, और L स्टैंड करता है लैंग्वेज के लिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें आप कैपिटल, स्मॉल कैसा भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। HTML यूजेस मार्कअप टेक्स्ट टू डिफाइन अ वेब पेज। HTML के अंदर टैग्स होते हैं जिनको हम मार्कअप टैग्स बोलते हैं, वो एक वेब पेज बनाने के काम आते हैं। HTML फाइल हैज एन एक्सटेंशन .html और .htm। HTML की फाइल जो है वो .htm या .html एक्सटेंशन से सेव होती है। HTML इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। एक वर्ल्ड वाइड वेब एक कंसोर्टियम है, एक यूनिट है जिसने HTML को डेवलप किया। वी विल स्टडी HTML 5। हम इस ट्यूटोरियल में HTML 5 सीखेंगे जो कि HTML का लेटेस्ट वर्जन है। आगे देखते हैं। नो नीड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। आपको HTML सीखने के लिए कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, मार्कअप लैंग्वेज है। You need a web browser installed on your machine and a text editor like Notepad। आपके कंप्यूटर पर केवल दो चीज़ें होनी चाहिए, एक वेब ब्राउजर और एक टेक्स्ट एडिटर जैसे कि Notepad या Sublime, कुछ भी। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, कोई भी। आगे चलते हैं। वेयर टू राइट HTML कहाँ लिखी जाएगी। यू नीड टू ओपन Notepad। आपको एक Notepad ओपन करना होगा। ओपन अ न्यू फाइल एंड राइट HTML कोड इन इट। आपको एक नोटपैड चालू करना होगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नोटपैड है, मैं यहाँ से इसको नोटपैड को चालू कर देता हूँ। ये नोटपैड मैंने चालू किया, ये नई फाइल खुली हुई है मेरे पास। इस फाइल को अब मैं सेव करूँगा एक HTML एक्सटेंशन से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा abhi.html। तो अब ये मेरे पास डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी, abhi.html नाम से एक फाइल दिख जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आई होगी, ये आई, देखिए अभी .html ये आ गई। ठीक है, ये तो होगी हमारी फाइल सेव करने की बात या बनाने की बात। आगे चलते हैं। एग्जीक्यूट इट विद सम ब्राउजर। अब हम इसको अगर वेब ब्राउजर के साथ करें तो इसको हमको चलाएंगे कैसे, इसको एक वेब ब्राउजर के अंदर चलाएंगे। जैसा कि आपने देखा, जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया तो वो एक ब्राउजर के रूप में आ गई। मैंने यहाँ आपके लिए एक फाइल बना के रखी हुई है, टेस्ट फाइल, जिसको मैं आपको चला के बताता हूँ। कुछ नहीं करना, सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल ब्राउजर के अंदर खुल जाएगी। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरी फाइल है, इसके अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसका कोड कुछ इस प्रकार का दिखेगा, मैं आपको आगे आगे बताता जाऊँ। ठीक है, इस फाइल को आप रीओपन कर सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो। जैसे कि अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, जैसे कि मेरी ये वाली ये फाइल है, अब इसको मुझे चेंज करना है तो मैं इसको सबलाइम के अंदर खोल लूँगा। जरूरी नहीं है आप सबलाइम के अंदर ही खोलें, आप नोटपैड के अंदर भी खोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल सबलाइम के अंदर खुल चुकी है। अगर मुझे इसमें कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पे HTML फॉर्म लिखा हुआ है, इसको हटा के अगर मैं अपने चैनल का नाम लिखूँ, क्वांटम डी बी आई टी सोल्यूशन, QUANTUM DB IT
सॉल्यूशंस, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको सेव करके अगर मैं इसको रन कराऊं दोबारा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे अब इसको हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा फाइल को। ये देखिए लिखा आ गया क्वांटम डीबी एटी सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम इस फाइल को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आगे आते हैं HTML elements। HTML के elements होते क्या हैं? An HTML element is an individual component of an HTML document। HTML के element जो होते हैं कोई individual component होते हैं HTML के document के। It starts with start tag, opening tag and ends with an end tag, जो कि जैसा कि आप यहाँ पर लिखा देख सकते हैं HTML और HTML। मैं आपको बता देता हूँ simply start tag और end tag में क्या अंतर होता है। Start tag बिना किसी चीज़ के चालू होते हैं और end tag में एक फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल के अंदर जो मैंने फाइल बना रखी है, ये देखिए ये HTML का स्टार्ट टैग है, ये HTML का एंड टैग है, ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है ये, और ये बॉडी का एंड टैग है, ये P का स्टार्टिंग टैग है और ये P का एंड टैग है। आपने सब में एक चीज़ देखी होगी जो बड़ी कॉमन है, कोई भी स्टार्टिंग टैग के अंदर एंगल ब्रैकेट तो लगा हुआ है। एंगल ब्रैकेट का मतलब होता है ये जो चीज़ें, इसको हम एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, जिसको लोग बाग लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी बोलते हैं। तो अगर कोई टैग स्टार्ट करना है तो सिंपल एंगल ब्रैकेट में स्टार्ट होगा, और अगर उसको हमको बंद करना है तो वो फॉरवर्ड स्लैश लगा के बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। द एलिमेंट कंटेंट इज एवरी थिंग बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग। एलिमेंट का जो कंटेंट होता है वही सब कुछ होता है एंड टैग और स्टार्ट टैग के बीच में। ठीक है, मोस्ट एलिमेंट एचटीएमएल एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट। बहुत सारे HTML के अंदर HTML टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। जैसे कि ये है, ये आपने देखा फॉर्म, फॉर्म एक्शन, लेबल, इसके अंदर लेबल, लेबल के बाद इनपुट टाइप, इनपुट टाइप के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं आईडी, नेम, वैल्यू, ये इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। पी इज अ पैराग्राफ टैग, पी एक पैराग्राफ टैग होता है। ये पी इज स्टार्टिंग टैग, जो ये पी दिख रहा है आपको ये स्टार्टिंग टैग है, एंड द पी, ये जो पी दिख रहा है आपको फॉरवर्ड स्लैश की तरफ, ये इसका क्लोजिंग टैग है। एवरीथिंग बिटवीन देम इज पैराग्राफ कंटेंट टू बी डिस्प्लेड ऑन ब्राउजर। इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो डिस्प्ले होगी ब्राउजर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फाइल है, इसके अंदर पी टैग ये है, इसके अंदर मैंने लिखा है इफ यू क्लिक द सबमिट बटन द फॉर्म डाटा विल बी सेंड टू पेज कॉल्ड एक्शन डॉट पी एच पी। और अब हम इसको चलाएंगे तो आपको यही चीज यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखिए इफ यू क्लिक द सबमिट बटन द फॉर्म डाटा विल बी सेंड टू अ पेज कॉल्ड एक्शन पेज डॉट पी एच पी। ठीक है, अब आगे देखेंगे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद अ टाइप डिक्लेरेशन डॉक टाइप HTML। जो भी HTML का डॉक्यूमेंट होगा हमको हमेशा उसको स्टार्ट करना चाहिए डॉक टाइप HTML से। कोई जरूरी नहीं है ये लगाना, लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप इसको यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे केवल ये पता चलता है कि आपकी जो फाइल है वो HTML के टाइप की है। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जीक्यूशन पे। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, कोई भी एक HTML का कोड है वो पहले ब्राउजर के पास जाता है और ब्राउजर उसको रीड करता है और हमको उसका आउटपुट देता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये मेरा HTML का कोड है, इसको अगर मैं रन कराऊंगा तो ये पहले ब्राउजर के पास जाएगा और फिर आपको ये दिखाएगा फाइल। ये है, इसको मैंने रन कराया था, इसने ये ब्राउजर इसको रीड कर दिया और ये आपको इसने निकाल के दे दिया। ठीक है, आगे दिखाता हूँ आपको HTML का टैग। HTML का टैग क्या होता है। द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, ऑल अदर एलिमेंट्स आर कंटेंड इन दिस। जो रूट एलिमेंट होता है एक HTML डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर सारे के सारे कंटेंट्स होते हैं। द HTML एलिमेंट डिलीमिट्स द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। जो HTML का एलिमेंट होता है वो डिलीमिट करता है बिगनिंग और एंड HTML के डॉक्यूमेंट का। HTML के अंदर हेड टैग, हेड टैग क्या होता है, कंटेनर फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड मेटा डाटा फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट। वो कंटेनर जो मेटा डाटा और HTML के डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने के लिए जो जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो रखता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ हेड टैग, हेड टैग के अंदर जनरली हम क्या लिखते हैं, हेड टैग की चीज़ लिखते हैं, जैसे टाइटल लिख दिया, या SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो जिससे कि आपका जो वेबसाइट है वो गूगल की रैंकिंग पे आती है। गूगल की रैंकिंग मतलब जैसे ही आप कुछ भी टाइप करते हैं
तो सबसे पहले जो इधर दिखाई देता है वो आपकी गूगल की रैंकिंग के हिसाब से दिखाई देता है। हेड टैग के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं और टाइटल भी आता है। टाइटल जैसे यहाँ पे इस टैग के अंदर मैंने लिख रखा है, इस टाइटल टैग के अंदर मैंने लिख रखा है अभिषेक दुबे। अभी आपको कहाँ दिखाई देगा, जैसा कि अगर आप ब्राउज़र खोलेंगे तो ये हमने ब्राउज़र खोला, ये हमारी फाइल है। यहाँ पर आपको ये अगर मैं सारी फाइलें काट दूँ, केवल मेरी वही वाली फाइल खोलूँ तो आपको ये दिखाई देगा अभिषेक दुबे। ये यहाँ पर आपको टाइटल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने ये टाइटल आपके लिए टाइटल बार में लिखा है। अगर मैं आप कुछ और भी लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QUANTUM क्वांटम DBIT सॉल्यूशंस, तो आपको दिखेगा। इसको मैं सेव कराऊंगा, सेव करा कर अगर मैं इस फाइल को रन कराता हूँ और फिर इसको मैं रिफ्रेश कराता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया क्वांटम DBIT सॉल्यूशंस। तो आप वहाँ पे जो भी लिखेंगे वो वहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हेड टैग के बाद आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है, बॉडी टैग के अंदर हमारा HTML का सारा डिस्प्लेबल कंटेंट आता है। सारा डिस्प्लेबल कंटेंट मतलब जो भी जो चीज़ हम HTML में दिखाना चाहते हैं पेज के ऊपर वो, जैसे कि देखिए इसमें ये बॉडी टैग यहाँ से चालू हो रहा है। इसके बाद हमने लिखा क्वांटम DBIT सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ ताकि आप टाइटल और बॉडी टैग के बीच में कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्वांटम DBIT सॉल्यूशंस 1, ओके। नीचे आते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं नीचे। नीचे में हमने लिखा हुआ फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के नीचे हमने एक लाइन लिखी हुई है। अभी हमको दिखाना है, दिखाने के लिए इसको हम वापस चालू करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा वापस एक बार। रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे वन लिखा आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी कंटेंट है वो बॉडी टैग के अंदर आएगा। कंट्रोल यू करके हम इसका सोर्स कोड भी देख सकते हैं, जो कि कोड हमने लिखा हुआ है। ये देखिए HTML हेड टाइटल के अंदर क्वांटम DBIT सॉल्यूशंस, उसके बाद बॉडी टैग हमने चालू किया यहाँ पे, फिर H2 के अंदर हमने लिखा क्वांटम DBIT सॉल्यूशंस 1, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। ये फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट वो होता है कि किस तरीके से HTML की फाइल लिखी जाएगी। सबसे पहले हम HTML टैग चालू करेंगे, फिर हेड टैग चालू करेंगे। हेड टैग के अंदर हम वो इंफॉर्मेशन पेस्ट करेंगे हमारे मेटा डाटा की, फिर हेड टैग को बंद करेंगे, बॉडी टैग चालू करेंगे, फिर बॉडी टैग के अंदर हम डिस्प्लेबल कंटेंट लिखेंगे और बॉडी टैग बंद करेंगे, और लास्ट में हम HTML टैग बंद कर देंगे। कमेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स जनरली ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे चालू हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे बंद हो रही है। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको वेब पेज पे जब आपका ब्राउज़र आपको कोड कंपोज करके दिखाएगा तो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप कोड के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरी HTML की फाइल लिखी हुई है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये मैंने आपको यहाँ पे कमेंट लिख रखा है आर फॉर्म स्टार्ट से। जैसे कि मानिए आपने कोई काम किया, अब आपको किसी वजह से वो काम अधूरा छोड़ना पड़ा, लेकिन कोई दूसरा बंदा आया उसी काम को करने के लिए, तो कैसे समझेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ चालू हो रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है आर फॉर्म स्टार्ट से, तो उसको ये समझ में आ जाए कि यहाँ से इनका फॉर्म चालू हो रहा है, ठीक है। बट ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी क्योंकि एक कमेंट है, कमेंट कभी भी आपको एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं दिखता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जीक्यूशन टाइम, ये है, ये कमेंट है मेरा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये आपको दिखेगा सोर्स कोड के अंदर। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो कोई भी अगर कोई भी आदमी या दूसरा आदमी आएगा आप काम कम्प्लीट करने के, तो उसको पता पड़ जाएगा कि यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई सॉल्यूशंस हो या आप कुछ भी आप कहना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, घर में रहिए, और थैंक यू।